साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों शुक्रवार के जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं, जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, इन्हें आप फॉलो करना शुरू कर दें। दोस्तों जो भी उपाय बताए जाते हैं, जानकारी पूरी अच्छे से समझ करके और फिर उन उपायों को, रेमेडीज को आप किया करें, है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो छूट जाती है आप लोगों से। दोस्तों शुक्रवार के सबसे पहले मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स दे रहा हूं, है ना। कोशिश करें कि हर शुक्रवार के दिन में और बुधवार के दिन में बादाम का जो तेल होता है ये अपने सिर में जरूर लगाएं, महिलाएं भी और पुरुष भी। इससे धन योग बनते हैं, आपके शुक्र मजबूत होते हैं, आपके बुध मजबूत होते हैं। बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक हैं, बुध मजबूत रहेंगे तो धन कहां से आना है, न्यू आइडियाज आएंगे। शुक्र जो है भौतिक सुखों के कारक हैं, ये बलवान बनेंगे तो ऑटोमेटिक जिंदगी में पैसा आएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों शुक्रवार के दिन में आप कोशिश करें कि एक नींबू लें। नींबू का जो छिलका होता है, इस छिलके को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी पूरी बॉडी में रब करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में नींबू की खुशबू आएगी। जब बॉडी में पूरी नींबू की जो लेमन की खुशबू होती है, इससे क्या होता है शुक्र बलवान होते हैं और माता लक्ष्मी जो होती हैं ये प्रसन्न होती हैं और धन आकर्षित होता है। ये वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, है ना। और कोशिश करें दोस्तों, अगर जैसे आप लोग को नींबू नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई भी लेमन वाला साबुन भी यूज कर सकते हैं। मतलब बॉडी से शुक्रवार के दिन में लेमन की खुशबू आना जरूरी है। अगर आप रस का यूज ना करें, रस में खुशबू नहीं रहती है, जो लेमन की जो छिलके होते हैं उसमें खुशबू होती है। अगर आप नींबू के छिलके नहीं मिल पा रहे हैं या नींबू नहीं मिल पा रहा है तो लेमन सोप भी यूज कर सकते हैं, उससे भी खुशबू आएगी। मतलब बॉडी में बस खुशबू आना चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों शुक्रवार के दिन में खटाई को टोटल अवॉइड करें, ठीक है, खटाई बिल्कुल भी ना खाएं। अगर रविवार के दिन में आप बिना नमक का खाना खाते हैं, नमक का सेवन छोड़ देते हैं, तो इससे आपके सूर्य बलवान होते हैं, सूर्य बलवान होते हैं तो राजयोग बनता है। तो कोशिश करें कि रविवार के दिन में नमक का त्याग करें, मीठा ज्यादा खाएं और शुक्रवार के दिन में खटाई का त्याग करें। अगर ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहाने मार मार के पैसे आएगा आपको जिंदगी में। इसके अलावा दोस्तों शुक्र की जो उंगली होती है, ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ जानकारी दी है कि ये जो शुक्र का ये उंगली है, जो ये पोर है, ठीक है, इसको मैंने भी पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि घी में डुबो करके और मिश्री आपको 7 बार चाटनी है, ठीक है। इसके अलावा एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूं, हर शुक्रवार के दिन में आप नियम बनाएं, ठीक है, कि ये जो पोर होता है आपका ये शुक्र का होता है, ये मंगल होता है, ये गुरु होता है, तो ये लाइन के ऊपर लास्ट वाली जो उंगली है आपकी, कनिष्का उंगली, यहां पर ये जो पोर है आपका, इसके ऊपर रेड कलर के पेन से आप 7 नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार के दिन में आप क्या करें, इस पोर पे 7 नंबर आप लिख दें। सिर्फ शुक्रवार शुक्रवार इस प्रयोग को करना है। दोस्तों ये प्रयोग भी आपको बहुत चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देगा। पैसे की अगर कमी रहती है या आ नहीं रहा है या ब्लॉक हो गया है मनी, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो हमेशा और एक चीज का याद रखना है, इसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है आपको। अगर आप टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं तो पहले इस नंबर को साफ कर लें, ठीक है, यहां से हटा दें। उसके बाद में जब अपना फुर्सत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो दोबारा से हाथ साफ करके यहां पर 7 नंबर लिख दें। जितना ज्यादा इस नंबर को यहां शुक्रवार के दिन में 7 नंबर आप लिखेंगे, उतना ज्यादा चमत्कार आपको देखने मिलेगा। ज्यादा नहीं, 6 शुक्रवार कंटिन्यू करके देखिए बस। महिलाएं यदि करेंगी तो लेफ्ट वाले में लिखेंगी और जेंट्स यदि करेंगे तो राइट वाली उंगली की पोर में, ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। और 81 नंबर जो बता रहा हूं ये शुक्रवार का स्पेशल नंबर है, ठीक है, ये सिर्फ शुक्रवार को ही यूज करना है आपको। ये आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई आपका ऐसा कोई काम है जो वर्षों से रुका हुआ है, उसके लिए इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, एक कोरा कागज ले लें व्हाइट कलर का, ठीक है, और
ग्रीन कलर से या फिर ऑरेंज कलर से आपको ये नंबर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कोरे कागज पे, आपको सबसे ऊपर लिख देंगे अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र। अगर गोत्र याद नहीं है तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने दादाजी का नाम। अब दादाजी का नाम भी याद नहीं है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ग्रीन या ऑरेंज कलर का आपको उपयोग करना है। सबसे पहले अपना नाम, दादाजी का नाम गोत्र, पिताजी का नाम गोत्र, गोत्र याद नहीं है, दादाजी का नाम, दादाजी का नाम याद नहीं है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब उसके नीचे आपको लिख देना है 81, इसको आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। और नीचे आपको 6 बार लिखना है ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये 6 बार इस मंत्र को आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे 6। अब इसको आपको फोल्ड करना है, सीधे हाथ में रखना है। अब आपकी प्रॉब्लम जो भी हो, आपकी धन संबंधित परेशानी है तो आप मन में प्रार्थना करेंगे शुक्रदेव से कि शुक्र भगवान से कि आपकी धन संबंधित परेशानी दूर हो, आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़े। कोई ऐसा काम है जो वर्षों से रुका हुआ है तो आपको उस काम के लिए प्रार्थना करनी है कि ये मेरा काम पूर्ण हो जाए। कोई पर्टिकुलर कोई विश है आपकी, ये मनोकामना मेरी पूरी हो जाए, तो उस मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। और इसको फोल्ड करके गुलाब की अगरबत्ती मिल जाए, गुलाब का इत्र मिल जाए तो इसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र छीट दें और गुलाब की अगरबत्ती का धुआं दिखा दें। गाय का घी का दिया जरूर जलाएं और सफेद या लाल रंग का आसन लगाएं और सिर पर सफेद या लाल कपड़ा रखें। पूजा स्थान में पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा की तरफ मुख रहेगा या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख रहेगा जब इस प्रयोग को आप करेंगे। जिस दिन प्रयोग करेंगे आपको एक चीज का ध्यान देना है, शुद्धि की हालत में करना है। पुरुष कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज मांसाहारी कुछ भी नहीं लेना है। महिलाएं अशुद्धि के दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे। इसको उठा करके अपने पर्स में रख लें, जब भी समय मिलता है शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे और जब भी समय मिले इसको देख करके नंबर को चैंट करिए 8181 या 8181 या आपकी जो भी लैंग्वेज है, नंबर सेम रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में भी इस नंबर का यूज कर सकते हैं। बस पॉजिटिविटी के साथ में दोस्तों, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं हर प्रयोग में बोलता हूं कि पॉजिटिव नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे वीडियो से बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है रेमेडी करने की। अगर विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच है, तभी प्रयोग को करें। और दूसरी बात कि मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि आपको पैसा उड़ करके चल करके आएगा, ठीक है। आपको ऐसे साधन मिलेंगे, ठीक है, जो कर्म करना जानते हैं, जो कर्म करने की इच्छुक हैं कि हाँ मेरे को साधन मिलेंगे, मैं वहां से धन अर्जित करूंगा, वही रेमेडी को करें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रयोग करने से पैसा उड़ करके आएगा तो पूरे यूट्यूब में ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं देगा, और दे भी रहे हैं तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो उड़ करके पैसा ला सके। कर्म करना जरूरी होता है, धन के योग बनते हैं, आपके ऐसे काम बनने लगते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी में मनी का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे कि आपका व्यापार है वो चलना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी है रोजगार मिल जाएगा, अगर आपका बिजनेस आपकी जॉब है नौकरी है वहां प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे धन आता है, ऐसे पैसे आता है। ये नहीं है कि हमने रेमेडी कर ली है, बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पैसा अपने आप चल के आने लगा, तो ऐसे कोई उपाय नहीं है। दुनिया कर्म का क्षेत्र है। करोड़पति बनना है तो उससे पहले अपने आपकी थिंक चेंज करनी होगी। अपने आपको समझिए तो कि मैं करोड़पति हूं। जब तक आप अपनी थिंक से चेंज नहीं करेंगे, उस चीज को विजुलाइज नहीं करेंगे, उस चीज को सोचेंगे नहीं, सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, तब तक पैसा नहीं आएगा जिंदगी में। किसी चीज को पाना है तो उस चीज को विजुलाइज करिए, आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आपका पूरा ब्रह्मांड आपके सबकॉन्सियस माइंड में समाया हुआ है। और जब बार बार आप पॉजिटिव चीजें रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्सियस माइंड उस चीज को ब्रह्मांड में भेज देता है और ऑटोमेटिक वो चीजें रियलिटी, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कैसे रियल होने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग खुद ही वर्क करने लगता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं रेमेडी कर रहा हूं या विजुलाइज कर रहा हूं तो ये सक्सेस कैसे होगा, वो चीज आपका काम नहीं है, वो ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है सिर्फ पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। ब्रह्मांड सिर्फ यही बोलता है आपसे कि तुम सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो और विश्वास रखो, फेथ रखो, जो चीज चाहते हो रियलिटी ब्रह्मांड आपको बनाएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि इंसान जैसा सोचता है एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। तो अब सारी चीजें आपकी सोच पर डिपेंड करती हैं। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं मेरे पास में पैसा नहीं है तो वो चीजें कंडीशन और डबल हो जाती है। तो आप लोग इस चीज को इग्नोर करिए कि पैसा नहीं है, इसको इग्नोर करिए, ये बोलिए, बल्कि बार बार बोलिए और सोचिए, विजुलाइज करिए कि पैसा बहुत आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। 41 डे तक कंटिन्यू इसको करिए कि बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, और विजुलाइज करिए। मनी की जो स्मेल होती है उसको फील करिए। आप
खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इन चीजों को विजुलाइज करते रहिए। जब बार बार ये चीज सोचते हैं, क्योंकि सारा काम आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, अवचेतन मन ही करता है, उसको ये नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप सोचते हैं पैसा नहीं आ रहा है तो उसी को सच मान लेता है और वो चीजें और ज्यादा आपकी जिंदगी में फ्लो करने लगता है। और आप सोचेंगे कि पैसा बहुत आ रहा है, आप खर्च कर रहे हैं, उस चीज को इमेज बना रहे हैं दिमाग में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है और वो चीजें और ज्यादा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो सारा काम आपके दिमाग का है। इसीलिए मैं बोलता हूं पॉजिटिव रहें और हमेशा अपने आप को असाधारण समझें, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना समझें, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान समझें। लेकिन कर्म जरूर करें, विश्वास जरूर रखें खुद पर, भगवान पर, अपने आप पर, सेल्फ लव करें, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।